सकते हैं कि हमारे वाल्मीकि समाज के जो साथी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, वो इसको उनके द्वारा ये बुलाया हुआ कैंडल मार्च है। मुझे भी हमारे कुछ साथियों ने इन्वाइट किया था, तो मैंने भी एक अपील की थी कि इस कैंडल मार्च में जो हमारे एससी समाज के जो हमारे दोस्त हैं, जो शहीद हुए हैं 15-16 बच्चे, उनको उनके लिए उनकी शहादत को नमन करने के लिए है कैंडल मार्च मंडी हाउस और यहाँ तक के लिए रखा गया था। लेकिन वहाँ चूँकि पुलिस ने हमको खड़ा नहीं होने दिया है और वहाँ से खदेड़ दिया था, तो यहाँ सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। और आप देख सकते हैं ये वाल्मीकि समाज जो हमारे एससी समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो अभी तक आंदोलन से दूर था, अब एससी समाज के आंदोलन में ये अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रहा है। तो मैं सबसे पहले इनको साधुवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे भी इन्वाइट किया था, इसमें मैं भी आया हूँ। और मनोज जी, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मैं आंदोलन का एक हिस्सा रहता हूँ हमेशा, SC ST आंदोलन का, OBC आंदोलन का। देखिए 14 तारीख को चूंकि मैं खुद पार्लियामेंट में रहूंगा, मेरा खुद प्रोग्राम लगा हुआ है संसद भवन प्रांगण में, सरकार के द्वारा मुझे इन्वाइट किया जाता है हर साल पिछले 7 सालों से। तो मैं पहले तो जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप हर साल लाखों की तादाद में जो है वो संसद भवन में बाबा साहब को पुष्प अर्पित करने के लिए आते हैं, तो इस बार उससे ज़्यादा आएँ और ये सोच करके आएँ कि इस बार हमने इस मोदी सरकार को, इस गूंगी भैरी सरकार को, इस मनुवादी सरकार को, इस हिंदुओं की सरकार को ये दिखाना है कि इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग जो हैं, जो 85% लोग हैं, जो बहुजन समाज, जो मूल निवासी लोग हैं, जो हिंदू नहीं हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, वो कम से कम अपनी ताकत यहाँ दिखा रहे हैं। और मैं खासतौर से मुस्लिम समाज के साथियों से अपील करना चाहूँगा, क्रिश्चन साथियों से अपील करना चाहूँगा कि जब पिछली बार मैं संसद भवन में प्रोग्राम देकर के बाहर निकल रहा था, तो मैंने देखा था कि बाहर की तरफ हमारे कुछ मुस्लिम समाज के साथी जो थे वो टोपी लगा करके बिरयानी बांट रहे थे, क्रिश्चन समाज के जो साथी थे वो केक बांट रहे थे बाबा साहब के जन्मदिवस पर। तो मेरी उनसे अपील है कि पिछली बार वो जितनी बिरयानी, जितना केक लेकर के पार्लियामेंट डिस्ट्रिक्ट पर पहुँचे थे, उस बार उससे ज़्यादा बिरयानी, ज़्यादा केक लेकर के हमारे मुस्लिम समाज के साथी और जो कम्युनिस्ट हैं या वो साथी हमारे यहाँ पहुँचे, समाज उनका स्वागत करता है, क्योंकि इस दुख की घड़ी में SC ST OBC और मुस्लिम समाज एक साथ मिलकर के लड़ेगा और ये 15% जो मनुवादी ताकतें उनको हम लोग हराने का काम करेंगे। और जो हमारे 17 बच्चे 16 बच्चे देश के अंदर शहीद हुए हैं बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की विचारधारा पर, जिन्होंने अपनी जान दिए, मैं उनको नमन करता हूँ, ऐसे अम्बेडकरवादियों को, ऐसे भीम सैनिकों को। और मैं एक बात यही कहना चाहता हूँ फिर दोबारा अपने आपके चैनल के माध्यम से कि जो हमारा ये वाल्मीकि समाज हमारे साथ आया, ये हमारे लिए बड़ा फख्र की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की 1267 जातियों में से पूरे मुल्क के अंदर एक चमार जाति थी जो बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रही थी, आंदोलन कर रही थी, लेकिन और तब दूसरी जातियाँ जुड़ रही, तो हमारे लिए खुशी की बात है। हमारे छोटे भाई, बड़े भाई, जितने SC ST OBC के लोग हैं, वो आंदोलन को जब गति देंगे तो निश्चित रूप से हम 2019 में योगी मोदी सरकार को हराने का काम करेंगे, जैसे 2 तारीख के आंदोलन में हमने मोदी सरकार को बैकफुट पर ढकेलने का काम किया।